चलिए आइए हम लोग यहाँ कैलेंडर का हिसाब बना रहे हैं। कैलेंडर में आज कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ। नंबर एक क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान दीजिए, 10 अगस्त 2001, इसका वही ट्रिक वाला मेथड से निकालेंगे मंगलवार, और मंगलवार देखेंगे ओरिजिनल है कि आगे पीछे हुआ है ट्रिक वाला मेथड से, फिर इसको भी ट्रिक वाला मेथड से निकाल लेंगे, और ये आगे हुआ होगा जितना दिन उसको आगे कर देंगे, अगर मंगलवार पीछे हो गया है तो उसको पीछे कर देंगे। कैसे? तो देखिए, दिन विषम दिन निकालने का तरीका क्या बताए थे, सबसे पहले तारीख लिखना है, 10 तारीख, अगस्त कोड 1 अगस्त, विश्व पर्वतारोहण दिवस 1, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस था ना, ठीक, अगस्त कोड 1 प्लस, 2000 के लिए 0 हो जाएगा, 2000 के लिए 0 प्लस, 1 वर्ष के लिए 1 तो लिखिए देंगे, प्लस दाही तक वर्ष होता है, और प्लस दाही तक वर्ष बटे 4 बटे 4, तो ये तो कट के कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि दशमलव में लिया नहीं जाता है, तो ये कितना हो गया, 10 11 11 11 12, ये तो कुछ होगा ही नहीं, 12 को 7 से भाग देंगे, 7 1 7 5 12, 5 का अर्थ कौन दिन हुआ, शुक्रवार, लेकिन यह कहाँ है, मंगलवार, मंगलवार है, तो हम आगे पीछे कुछ भी इसको गिन सकते हैं, शुक्र है तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, प्लस 4 हुआ, 4 दिन हो गया आगे। उसी तरह 15 सितंबर 2002 को ज्ञात कर लेते हैं, 15 हो गया 15 सितंबर, दिसंबर सितंबर मिलके 4 चांद, 10 रख, 10 10 से दिसंबर, 10 से सितंबर, 4 बेटा, उससे भी बोले थे, या दिसंबर दिसंबर सितंबर मिलके 4 चांद लगाया, तो 4 हो गया उसका कोण सितंबर दिसंबर का, प्लस 2000 के लिए शताब्दी साल है, 2400 से कटने वाला, 0 हो जाएगा कोण, तो 0 0, प्लस 2 साल दाही दाही अंक तक वर्ष, प्लस दाही तक अंक तक वर्ष बटे 4। अब देखिए क्या है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा, खत्म हो गया, ये 15 4 19 19 2 21 21, 7 से कट जाएगा, 0 बचा अर्थात रविवार, और रविवार में क्या कर देंगे, प्लस 4 दिन कर देंगे, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति अर्थात बृहस्पतिवार हो जाएगा, कौन दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ए नंबर हो जाएगा, समझ गए। फिर 2 नंबर तुरंत, अगर बार अगर 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, अगर लगाया है तुमको जांचना पड़ेगा कि रियल में सोमवार था कि आगे पीछे करके क्या है, तो फिर कहता 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, सेम हिसाब है, उसी मेथड से निकालेंगे, या तो कैलेंडर निकाल लीजिएगा 1997 परिचाल में और 99 का, उससे भी उत्तर मिल जाएगा, परिचाल में जाओ जाइएगा बोलिएगा सर हम लोग को कैलेंडर देखे देखे बता देते हैं, उससे भी आंसर पता चल जाएगा, अन्यथा फिर यहाँ निकालते हैं हम लोग, अगर कैलेंडर नहीं दे तो फिर दिलीप सर को याद कीजिएगा, 18 मार देना सबसे पहले, फरवरी फरमान फरमान दो फर माना फरवरी मार्च नवंबर सब दो फरमान दो, तो फरवरी का 2 प्लस 1900 के लिए 1 प्लस दाही तक वर्ष प्लस दाही तक वर्ष बटे 4। अब इसको सरल करेंगे, यहां जरा सा कटा सकते हैं, 4 2 8 1 17 हो गया, 9 में 8 कट जाएगा, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 बचा, दशमलव तो लेना ही नहीं, अर्थात 24 हो गया। अब चाहेंगे और छोटा कर सकते हैं, 7 से कटा कटा के, या तो हमको सरल करने में सुविधा, 18 2 20 1 1 1 7 से कट जाएगा, खत्म हो गया। अब बच गया ये 7 1 7, कितना बच जाएगा, 2 7 कितना बचा, 6, जो शेष बचता है उसको लेते हैं हम लोग, प्लस 7 21 कितना बचा, इसको भी ले लेंगे, अब 6 3 9 को फिर 7 से भाग देंगे, 2 बच जाएगा, 2 मतलब कितना, मंगलवार, देखिए वहाँ क्या लिखा है, तो 1 माइनस कर दिया, माइनस 1 दिन हो गया, तो उसको भी निकाल के 1 दिन माइनस कर देंगे, 18 फरवरी फिर 18 फिर फरवरी के लिए 2 1900 के लिए 99 जोड़ देंगे, प्लस 99 बटे 4, समझ रहे हैं सबको, 18 2 20 21 21 कटा देंगे, खत्म हो जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे,
सात एक है सात, कितना बचा दो, सात चौके अट्ठाईस, कितना बच गया एक उनतीस, कितना बचा एक, तो अर्थात हम विषम दिन टू ले लेते हैं एक, फिर इत चौथाई कितना हो जाएगा इसका अर्थ, चौबीस चौके छियानवे, चौबीस बार में बंकी छोड़ देंगे, अब इसको सात से भाग देंगे, सात से भाग देंगे विषम दिन लेंगे, सात से सत्य आय का तीन बचेगा, तीन एक चार, मतलब बृहस्पतिवार में क्या करेंगे माइनस एक कर देंगे, अर्थात बुधवार, बुधवार देखिए ऑप्शन है कहीं कहीं होगा, आए देखिए डी नंबर है, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम अक्टूबर मंगलवार है, कैसा कब का प्रथम, यानी एक अक्टूबर कौन दिन है तो कहता है प्रथम नवंबर कौन सा दिन होगा, इसका कोई मेथड ना सरल देखेंगे हम लोग सीधे, अक्टूबर एक तीसरा महीना है, महीना आपको याद करवाया हूँ, अक्टूबर नवंबर फिर तीसरा, दिसंबर फिर एक तीसरा ना, प्रथम अक्टूबर तो उधर अभी भी तीस दिन खाली अक्टूबर में बच रहा है, और आगे कहता है प्रथम नवंबर अर्थात एक नवंबर जाएंगे, तो एक दिन नवंबर का भी हो गया अर्थात तीस एक इकतीस दिन, इकतीस दिन में सत सत खुलते जाएंगे तो यही दिन पर पहुंच जाएंगे ना, यानी कि मंगलवार है, मंगलवार में जितना सात जोड़ देंगे फिर मंगल पहुंचेंगे, तो इसमें क्या सात लगेगा, सत चौके अट्ठाईस, चार सप्ताह प्लस तीन दिन, तो चार सप्ताह अगर टपते हैं तो फिर मंगलवार का मंगलवार ही रहेंगे, उसके बाद तीन दिन आगे बढ़ देंगे, बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार हो जाएगा, कई ऑप्शन होगा, समझ में आया क्या कि छोटा हो दस दिन पांच दिन का गैपिंग तो कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट देख लीजिए इंटरवल याद करके कितना दिन है, ठीक ना। जैसे आगे बढ़ते हैं, यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा, ये तो शुरू से जो बना रहे वही हिसाब है, तुरंत बनाते हैं 10 जनवरी कोड जनक 6 जनवरी अक्टूबर 6 प्लस 2000 के लिए शून्य, दो के लिए ये बटे इतना बटे चार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, तो सीधे हो गया 6 2 8 10 8 18 को सात से भाग दीजिए, सात दूनी 14 कितना बजेगा चार, चार मीन्स बृहस्पतिवार और यहाँ लिया कौन है शनिवार, दो दिन प्लस कर दिया, प्लस क्या क्या है दो दिन कर दिया, तब इसका भी निकाल लेंगे प्लस दो दिन कर देंगे, 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल ना, कौन बोला था जनक महाराज, पांच बेटी लवला महीना पांच, पांच अप्रैल हो या जुलाई हो पांच, 2000 के लिए फिर जीरो, दो के लिए दो, जीरो दो बटे चार का फिर कुछ नहीं होगा, तो पांच दो सात, तीस सात सैतीस, सैतीस बटे सात, सात पचे पैंतीस, बच गया दो, दो मीन्स, और इसमें क्या कर देंगे प्लस दो क्या करेंगे बृहस्पतिवार, मंगल बुध बृहस्पति बृहस्पतिवार, देखिए हो गया, अब जरा साफ तो गलत है, ठीक ना, यही उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा उसको एकदम काट करके सुधार देना है बिना डरे हुए, ठीक है इसको जरा साफ कर लो। 15 नंबर, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के दो दिन बाद, यानी क्या शुक्रवार बुधवार के दो दिन बाद ना, बृहस्पतिवार शुक्रवार था, शुक्रवार 12 तारीख को कौन दिन पड़ा शुक्रवार, 12 तारीख को पड़ा शुक्रवार, कहता है तो उसी महीने की 28 तारीख को, तो 12 में कितना जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा 16, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 में क्या सप्ताह निकलेगा 7 × 14 दो सप्ताह प्लस दो दिन, तो अगर एक सप्ताह लेते हैं फिर शुक्रवार, दूसरा सप्ताह फिर शुक्रवार, उसके बाद दो दिन और आगे बढ़ना होगा, तो क्या हो जाएगा शनिवार रविवार, अर्थात रविवार पर पहुंच जाएंगे, रविवार ऑप्शन होगा कहीं, समझ में आया महीने की 12 तारीख बुधवार के दो दिन बाद यानी कि शुक्रवार, तो 12 तारीख है शुक्रवार, तो कहता है उसी महीने का 28 तारीख क्या होगा, तो 12 से 16 तारीख और 16 दिन और जोड़ेंगे तो 28 तारीख पहुंचेंगे, 16 दिन जोड़ना मतलब क्या दो सप्ताह आगे बढ़ के और दो दिन, तो दो सप्ताह जैसे आगे बढ़ेंगे शुक्रवार का शुक्रवार ही रह जाएगा, दो दिन और आगे बढ़ना है तो शनिवार रविवार हो गया अर्थात रविवार पर पहुंच जाएंगे, कोई आपत्ति। आगे सुधा की माँ कहती है, क्या कहती है सुधा की माँ, उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल के बाद हुआ, 29 अप्रैल के पहले
यानी कि संभावना बता रही है, म बता रही है, सुधा की म, कौन सुधा की म, ये क्या बता रही है कि उनका जन्म, मतलब सुधा की जन्म कब हुआ है, 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल के पहले, तो 26 के बाद कौन होगा, 27, 28, 29, तो 29 के पहले अर्थात यही दोनों संभावना। माँ को पता नहीं बेटी जन्म कब दिया है, ये नो रहा है, सुधा की माँ कहती है उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले, उनके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये बच्चा में गड़बड़ बुझा रहा है कि माइक सही पता नहीं है और ना बाप को सही पता है, ये कह रहा है 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के पहले, 26 के बाद और 28 के पहले, तो अर्थात कहाँ जा रहा है, अब दोनों का वनिष्ठ मिल रहा है ये जो, लेकिन माँ अगर अड़ जाए तो झगड़ा भी हो सकता है ना, अब जाने इधर पति पत्नी झमेला है क्या मैटर है ये लोग जाने, तो 27 हम लोग अभी विधिवत, हम लोग गणित का टीचर होने के नाते 27 ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 27 कॉमन मिल गया, कोई आपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कि सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था तो पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो पूजा किस दिन पैदा हुई, अब देखिए सीता और पूजा के देखिए नाटक क्या है, सीता का जन्म कब हुआ, शुक्रवार को, और पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद, इससे भी भारी हिसाब कौन है क्या, पूजा कब हुआ है, 15 दिन बाद, यानी कितना, क्या सप्ताह, 7 × 2 + 1, तो 2 सप्ताह आगे बढ़ेंगे तो वही शुक्रवार, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा शनिवार, ये शनिचरा ग्रह में पैदा हुई है, कौन पूजा, ये देखो है ऑप्शन, समझ में आया। आगे आरती 10 जनवरी को पैदा हुई, बहुत बढ़िया, गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई, तो यहां भी आप चाहेंगे तो आरती मम्मी पापा से पूछ सकते जाके, उसका जन्म कुंडली निकलवा करके जान जाएंगे, और अन्यथा हम लोग अपना काम करते हैं गणित के मास्टर होने के नाते। आरती 10 जनवरी को पैदा हुई, बहुत बढ़िया, गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, यानी गणतंत्र दिवस मतलब क्या, ओह इतना जानकारी आप लोग रखते हैं, चलिए अच्छा लगा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया था, इतना जान रहे ना, अब विश्वास है आप लोग सरकारी नौकरी जरूर ले लेंगे। आरती 10 जनवरी को पैदा हुई और गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, तो कहता है आरती किस दिन पैदा हुई, तो यहाँ देखिए हमें क्या बताया, 10 दिन 15 दिन का अगर फेरा हो एकदम आराम से साधारण नियम लगाना है, वहाँ कोई ट्रिक फ्रिक माथा अपने लाना है, ठीक ना, 10 है और 26 जनवरी, बस इतने तो मैटर है, तो इधर से उधर अब सप्ताह जोड़ लेते हैं, तो उधर से इधर सप्ताह घटाने देंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिन का है, 16 दिन का है, यानी 10 में 16 दिन जोड़ो उधर चल जाएंगे, उसमें 16 दिन घटाओ -16 दिन, कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 16 में कितना सप्ताह होता है, 7 × 2 + 2 = 14, तो 2 सप्ताह पीछे लौटेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, शनिवार पर था, फिर शनिवार पर 10 जनवरी को पैदा हुई, गणतंत्र दिवस शनिवार अर्थात शनिवार है, तो एक सप्ताह पीछे हटेंगे, फिर शनिवार एक सप्ताह और पीछे हटेंगे, फिर शनिवार 2 दिन और पीछे हट जाएंगे, तो शनिवार से -2 कर देंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, तो बृहस्पतिवार, समझ गए, और इससे भी समझने में दिक्कत है तो फिर उसके माँ बाप के पास जाकर पूछ लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।